तो टैबलो के अंदर हम बात करेंगे टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले के बारे में। तो आपके सामने यहाँ एक डेटा दिख रहा है। अब इस डेटा में ऑर्डर आईडी है, इसे ईयर है। यहाँ पे सीए जो है ये क्या है, इसके हाँ सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं, पीछे नहीं विजुअल होना चाहिए इसमें वाले नहीं। आपका। अब से एक जी इंटरनेट स्लो है, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। ओके सर, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से ये अलग करना चाहते हैं। जैसे एक्सेल में होता है ऐसे यहां भी कर सकते हैं। क्रिएटेड फील्ड में मान लीजिए कि मैंने यहां पे कंट्री कोड अलग करना चाहते हैं, कंट्री अंडरस्कोर कोड। अब यहां पे मैंने लगाया फॉर्मूला लेफ्ट का। लेफ्ट में हमने ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट किया और बोला कि मुझे 2 लेटर लेफ्ट से अलग कर दे। अब अप्लाई कीजिए, ये देखिए 2 लेटर आपका अलग है। तो हमने लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया। लेफ्ट का फॉर्मूला यूज होता है लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर को अलग करने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर को अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट का। अब मुझे राइट से 6 डिजिट चाहिए। राइट से क्या चाहिए, 6 डिजिट चाहिए। तो राइट से 6 डिजिट लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, RIGHT राइट। और राइट में हम देते हैं अपना ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी के अंदर हम बोलते हैं कि राइट से मुझे 6 डिजिट चाहिए। राइट से क्या चाहिए, 6 डिजिट चाहिए। और यहां पे जैसे अप्लाई करते हैं देखिए 6 डिजिट आ गया। उसी तरह से मान लीजिए मुझे मिड का ईयर चाहिए, मिड का क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो यहां हम मिड का फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड, और यहां पे हमने ऑर्डर आईडी लिया ऑर्डर आईडी कॉमा। अब यहां पे मुझे बताना होगा कि मिड स्टार्ट कहां से होगा। तो जैसे आप यहां देख पा रहे हैं सी ए 2 है, डैश 3 है, तीसरे नंबर से चौथे नंबर से, तीसरा नंबर तो है, चौथे नंबर से हमारा मिड स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे हम देंगे 4, और कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, ईयर 4 डिजिट का है तो मैंने 4 दे दिया। एंड अप्लाई, कैलकुलेशन एरर आ रहा है। स्ट्रिंग आ गया, स्टार्ट डेट आ गया, लेंथ आ गया, ये मिड ले नहीं रहा, 1 मिनट। MID मिड, इसमें हमने दिया ऑर्डर आईडी स्टार्ट 4,4। हाँ अब आया एंड अप्लाई। ठीक है, ईयर आ गया, मिड का फॉर्मूला समझ गए। अब बात करते हैं लेंथ। मुझे लेंथ काउंट करनी है कितना डिजिट का है, तो लेंथ लेंगे यहां पे ऑर्डर आईडी, अप्लाई कीजिए, लेंथ आया। तो हमने अभी कितने फॉर्मूले की डिस्कस किए, हमने लेफ्ट राइट मिड और लेंथ, 4 फॉर्मूले के बारे में जाना, जो कि सिमिलर टू हमारा एक्सेल का फॉर्मूला है। एक्सेल में होता है वो सिमिलर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, तो दिक्कत इसमें। बस अब इसमें कुछ केस चेंज करने का फॉर्मूला है। जैसे अगर यहाँ पे हम ओके कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे नेम है, शिप मोड है, अब इसका केस चेंज करना है, अपर केस लोअर केस में, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, एक बार इसको कवर करते हैं फिर लेंथी फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आता है हम हमारा सबसे पहले आता है अपर फॉर्मूला। अपर फॉर्मूले के अंदर अगर मान लीजिए हमने शिप मोड को दे दिया, अप्लाई कीजिए, यहां देखिए शिप मोड अपर क्लास में आ गया। उसी तरीके से लोअर का फॉर्मूला दिए और यहाँ पे शिफ्ट मोड डाल दिया,
अब मैं अप्लाई करता हूं, देखिए लोअर क्लास हो गया। एक प्रॉपर भी होना चाहिए, प्रॉपर। तो प्रॉपर में अगर मैंने शिफ्ट मोड दिया तो प्रॉपर क्या करेगा, हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल, हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर, ठीक है। अगर रिप्लेस करना हो तो सर इसी वैल्यू को बता रहा हूं, वन बाय वन सब बता रहा हूं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास ट्रिम लगा होता है, ठीक है ना, क्या होता है स्पेस लगा होता है, तो मुझे ट्रिम करना है। तो हमारे पास एक ट्रिम का फॉर्मूला है जिसमें हमने शिफ्ट मोड को लिया, और ट्रिम क्या करता है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिम का काम अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, नहीं, ट्रिम अनवांटेड स्पेस को रिमूव नहीं, कुछ बोलते स्पेस को रिमूव करता है, लेकिन स्पेस को नहीं, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। इसको करता है अनवांटेड स्पेस, ठीक है। क्लियर सर? ठीक है सर। आगे बढ़े, अब उसी में इसी में एक होता है आपका एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट से ट्रिम करता है, और एक होता है आपका आर ट्रिम जो कि राइट से ट्रिम करता है। एल ट्रिम आर ट्रिम आपका राइट से ट्रिम करता है, समझे। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने यहां जो फॉर्मूले लगाए थे इसकी बात करते हैं कि अलग करता है, राइट, अलग करने का काम करता है ना। तो हमने लेफ्ट राइट मिड अलग किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हमारा एक फॉर्मूला आता है स्प्लिट का, इसका आता है स्प्लिट। स्प्लिट में स्ट्रिंग हमने दे दिया ऑर्डर आईडी, अब ऑर्डर आईडी में डिलिमिटर क्या है, तो हमने बोला डैश, ठीक है। फिर आता है टोकन नंबर, तो टोकन नंबर में मान लीजिए हमने वन कर दिया, अब इसको अप्लाई कीजिए क्या आएगा, देखिए सीए अलग कर दिया, तो पहले डैश से अलग कर दिया। अगर मैंने यहां पे टोकन नंबर टू कर दिया तो क्या करेगा, अप्लाई, दूसरे डैश का अलग करेगा, और हमने टोकन नंबर तीन किया तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये आईडी को अलग करेगा। तो इस स्प्लिट फॉर्मूला का यूज करते हैं, समझे। तो दिक्कत सर इसमें, तो स्प्लिट फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। अब इस स्प्लिट के बाद हम चलिए बात करते हैं कुछ फाइन फॉर्मूले के बारे में। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ सर्च करना है कि इस कॉलन में ए है या नहीं, ठीक है ना, तो हमारे पास एक होता है फाइंड का फॉर्म, क्या होता है फाइंड। फाइंड के अंदर हमने क्या किया, ऑर्डर आईडी दे देता हूं, ऑर्डर आईडी एंड कॉमा, क्या फाइंड करना है, तो मुझे सी ए को फाइंड करना है, कहां से, तो स्टार्ट से। तो रिजल्ट क्या आएगा आपको यहां पे, ये जहां पे सी ए अगर मिलेगा तो जिस लेयर जिस पोजीशन पे मिलेगा, जैसे एक्सेल में होता था ना,
वैसे यहां पे इसको बोलते हैं फाइंड फॉर्मूला। फाइंड के साथ सर्च भी होना चाहिए, नहीं सर्च नहीं है, फाइंड ही है, ठीक है, फाइंड ही होता है, सर्च नहीं होता है। अब यहां पे हम बात करते हैं कुछ फाइंड में ही कुछ और होते हैं, से स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ में हमने और आईडी में डाला और यहां पे कॉमा, हमने बोला सी ए, क्या बोला सी ए, और हमने यहां पे सबस्ट्रिंग डाल दिया। तो ये क्या बताएगा आप कि ए इसके अंदर है या नहीं है? एक मिनट में दोबारा लगाता हूं। इक्वल यहां पे स्टार्ट विथ, और ये स्टार्ट विथ के लिए लग रहा है, यहां पर एरर क्यों आ रहा है? ऑर्डर आई डी कॉमा सी ए, या आप सही एंड अप्लाई करता हूं, ये ट्रू दिखा रहा है। समझाया? स्टार्ट बिट्स क्या हुआ कि हमने ये ढूंढना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में सी होना चाहिए, क्योंकि फाइंड फॉर्मूला जब मैंने लगाया फाइंड फॉर्मूले के अंदर तो कहीं भी होगा, बात समझे? वो तो कहीं भी होगा ना सर। यस, लेकिन यहां पे हमने इसका यूज किया, ठीक है, स्टार्ट भी। उसी तरह से एक आपका आता है इसमें एंड विथ, कि मुझे लास्ट में 56 देखना है, तो ऑर्डर आईडी हमने लिया और यहां पे दे दिया कि लास्ट में 56 होना चाहिए। अब 56 को इन्वर्टेड कॉमा में डालना हो, अब आए एक कंडीशन है, हाँ देखे, तो एंड विथ मतलब एंड में होना चाहिए। अब आपने रिप्लेस की बात की थी, और जैसे मान लीजिए जो 2013 है ना, मुझे उसको 2014 कर देना है, उसके लिए हम रिप्लेस फॉर्मूला यूज करें। सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यहां पे क्या आता है? रिप्लेस आता है। रिप्लेस के अंदर मैंने बोला कि ऑर्डर आईडी, अब इसमें क्या रिप्लेस करना है? तो 2013 को। किससे करना है? तो 2024। अब एरर क्यों आया? क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब यह वैलिड, देन ओके कीजिए। ये देख, जहां यहां 2013 था वहां 2014 हो गया, समझे? तो दिक्कत इसमें अब एक फॉर्मूला आता है मीन का। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमारा ऑर्डर आईडी, एक मैं करता हूं, दो डेट, ऑर्डर डेट और सिप डेट, इन दोनों के बीच का मिनिमम चाहिए, तो मिन, हमने मिन लगाया और मिन में हमने लिखा ऑर्डर डेट, क्या लिखा हमने? ऑर्डर डेट एंड कॉमा हमने लिखा सिप डेट, सिप डेट एंड अप्लाई कीजिए। अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना, वो यहां दिखा दे, दिखाया सर, जो मिनिमम डेट होगा वो दिखा देगा मिन फॉर्मूला। दो टेक्स्ट ऐसे नंबर में भी होते, टेक्स्ट भी देखेगा कि दो टेक्स्ट के बीच में जो मिनिमम सबसे छोटा टेक्स्ट है उसको दिखा देगा, ठीक है। सेम मिनिमम की जगह पे यहां पे मैक्स लगाते हैं, तो मैक्स भी सेम काम करता है आपका, ओके? मैक्सिमम मेजर मेजर करना करना पड़ेगा। यहाँ दो कॉलम को कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझे? अगर बीच का डेट निकालना हो तब सर, दो डेट के बीच में, क्या दो डेट के बीच का समझे? नहीं, जैसे 2021 और 2013 के बीच में कौन सा डेट है?
डिफरेंस इक्वल्स सोचना होगा इसके लिए सर। डिफरेंस के लिए तो माइनस कर देंगे, तो बताया ही था आपको मैंने। अब जैसे हमने फाइंड फॉर्मूला पढ़ा, स्टार्ट विथ पढ़ा, एंड विथ पढ़ा, ऐसे ही एक फॉर्मूला और आता है कंटेन, ठीक है ना सर। कंटेन कंटेन्स, कंटेन्स के अंदर में मान लीजिए कि हमने ऑर्डर आईडी ले लिया और मुझे इस ऑर्डर आईडी में देखना है कि क्या ए सीएओ कंटेन कर रहा है सीए। तो अगर कंटेन करेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आए। तो ये फाइंड की तरह ही वर्क करता है, ठीक है, समझे। Yes. ये थी आपकी टेक्स्ट कैटेगरी की फॉर्मूला जिसमें हमने डिस्कस किए कि जो भी डिस्कस किया हमने, लेफ्ट राइट मिड डिस्कस किया हमने, फाइंड पे डिस्कस किया हमने, बात किए लोअर अपर मिडल ट्रिम के बारे में, मैक्स मिन के बारे में डिस्कस किया हमने, डिस्कस किया आपका रिप्लेस के बारे में, ठीक है ना, स्प्लिट के बारे में डिस्कस किया कि हम स्प्लिट कर सकते हैं दो डेट दो टेक्स्ट में से किसी चीज को, जो कि एक अच्छा चीज था, हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है। अब इसका रेफरेंस, इसका जो आरए है, इसके बारे में अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको भी व्हाट्सएप किया है, इसको देखिए, ठीक है।